अब क्या है? भैया भैया आप हो आइए। कहाँ हुआ हूँ? बड़ी मामी कह रही थी कि बचपन में जब आपको जोर से सुसु या पोटी आती थी ना तो आप इसी तरह से टहला करते थे तो क्या हो रहा है यार? कब समझाई ना चाचू? ठीक है भैया 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 आप अपने बॉस को फोन कर दीजिए, हम सब उससे माफी मांग लेंगे, है ना ईशान? हाँ देख इंदर भैया, देख आप ना आप अपने बॉस को फोन कीजिए और उन्हें मतलब उन्हें बताइए ना, अरे हम उन्हें मनाएंगे। इनफैक्ट पापा आप भी मनाएंगे ना उन्हें, है हाँ? ना समझाएंगे उन्हें। अरे मनाएंगे तो आप तब जब मेरे बॉस फोन उठाएंगे। मेरे बॉस फोन ही नहीं उठा रहे यार। और यार तो जब पर्सनली जाएगा ना ऑफिस कल तो उसको डिनर पे घर पे इनवाइट कर लियो। हाँ 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 आपको क्या लगता है दोबारा उस घर में आएंगे? नहीं 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 मैं क्या करती हूँ, कल दो चार अच्छी अच्छी डिशेस बना के देती हूँ तुम्हें, तुम उसे ऑफिस ले जाना और अपने बॉस को वहीं पर खिला देना। भाभी हाँ। ये परफेक्ट है, आपने एक काम करिए वो पनीर पसंद है बनाइए, दीजिए भाभी आप आलू मटर। परफेक्ट, और मैं सुहाना से कह दूंगी कि वो अपना डिजर्ट वो पैनकेक बना देगी आपके लिए। नहीं मेरी माई नहीं, सुहाना से कुछ मत कहना, चाचू आप समझाइए ना इसे। अरे भाई अगर उसने गलती की है तो उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए ना। नहीं पन्ना क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? सब ठीक है ना वहां घर पे, मतलब भैया मॉम ईशान? नहीं नहीं सब ठीक है। सो व्हाई आर यू सो डिस्टर्ब? या मॉम ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं रौनक, बस मैंने बुरा सपना देख लिया। मतलब? मैंने देखा कि पापा वापस आ गए हैं। What? पापा? You mean your father? पन्ना प्लीज आज अचानक तुम्हें उनका ख्याल कैसे आ गया? अरे दीपक कहाँ गया तू? मेरा शेर, देख ये चैंपियनशिप तुझे जीतना ही पड़ेगा। क्यों? तेरे खानदान का नाम भी मुझे ही रोशन करना है क्या? हे दीपक, ऑल द बेस्ट। देखो हम सब तुम्हें बकअप करने आए हैं। वी ऑल आर विद यू। तेरी प्रैक्टिस से लेके फाइनल मुकाबले तक ना हम हर रोज तुझे चीयर करेंगे। एंड आफ्टर ऑल ये फैमिली नो तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अरे वो देखो कुणाल आ गया। दादाजी प्याज ना बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया, अब क्या करना है? अब आगे क्या करना है? आगे इस ब्राउन प्याज को अलग कर ले, कहीं और निकाल ले। क्या बात है, वाह वाह। इसके बाद गोश्त की सफाई करनी है। मीना गुसलखाने से साबुन लेकर आ जा। साबुन? हाँ। साबुन क्यों? अरे गोश्त साफ करना है ना। नो दादाजी, साफ करने के लिए वो सोप थोड़ी यूज करते हैं। मैंने रजनी दीदी और दिशा दीदी को कुकिंग करते हुए देखा है, क्लीन करने के लिए यहाँ पर दूसरा सोप है। मैंने किचन में हमेशा यही देखा है। रुकिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला। दिखा दिखा। सी?
इसमें तो ये घिसने वाला भी है। या क्या कह रही है छोटी भाभी आप? किससे ना केवल बर्तन साफ किए जाते हैं, मटन नहीं, उसके लिए केवल पानी का प्रयोग करते हैं। अच्छा बोल। अरे दादाजी आप किचन में क्या बना रहे हैं आज? आप तुझे जरूर बुढ़िया ने भेजा होगा। ओ यार।